जब डांस करते हैं तो आसपास वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग, नातेदार कुछ ना कुछ तो कमेंट करते होंगे, अरे देखो डांस कर रहे हैं, तो कैसे कैसे फील? देखिए, कमेंट को लेके चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको लगता है कि यूट्यूब हमको देगा, क्योंकि हमेशा बढ़े का काम करते करते बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए हम ऑडियंस को चाहते हैं कुछ नया करना चाहते, जीवन में करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब जानते हैं मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, और यूट्यूब पे वीडियो बना करके कुछ ना कुछ अर्न करता हूँ हर महीने, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो भी यूट्यूब पर काम करके, वो भी सोशल मीडिया पर काम करके कुछ पैसा कमा सके। देखिए, ये है हमारे मित्र हैं, इनका नाम प्रहलाद है, और ये मेरे पास आए हुए थे कुछ साल पहले। मैंने उनको बताया कि यार मैं 3-4 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तुम भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, तुम भी कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों देखिए, इनका चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है, और मेरे पास अपना बैंक का पासबुक लेकर आए हुए हैं, ये बैंक का पासबुक है ये, हाँ, और उसके बाद अपना एक आईडी कार्ड लेकर आया, मतलब पासपोर्ट है ये। आप कह रहे हैं कि जोगिंदर जी हमारा चैनल को आप मोनेटाइज कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भविष्य में पैसा कमाना यूट्यूब से, सोशल मीडिया के माध्यम से ना, तो पूरा वीडियो देखिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा जो आपके लाइफ में काम है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा। प्रहलाद जी, कैसे आप हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी दया से सब ठीक ठाक हैं। मेरी दया क्या, आपकी दया है ये। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को नमस्कार। ठीक है, देखिए ये मुझे लगता है कि कितना पढ़ाई किया आपने? हाई स्कूल किए हैं। हाई स्कूल पास है कि हाई स्कूल फेल है? फेल है। फेल है ना हाई स्कूल एकदम है। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हाई स्कूल फेल है ना, वो ही पैसा कमा सकते हैं अच्छे से। देखिए ये तो मुझे ये पहली बार मिले, ये हमारे घर के कुछ दूर पर रहते हैं, ये मुझसे कहें जोगिंदर जी आप तो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में लोग बताते हैं और लोग वीडियो देखते हैं तो आप अर्न करते हैं, तो हमें कुछ बता सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं? तो पहला जान लीजिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे काम किया जाता है। तो मैं मिली आज यूट्यूब के बारे में बात करूंगा। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसके माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं कमाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो लैपटॉप दिख रहा आपको ये YouTube की कमाई का है, जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ YouTube कमाई से है, इसके माइक ये दिख रहा हूँ मैं आपको YouTube की कमाई से है, जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है YouTube कमाई से है। तो YouTube पे जब आपको काम करना, वीडियो बनाना है, तो पहले आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, उसके बाद 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, मतलब 2,40,000 मिनट चाहिए, मतलब आपने कोई वीडियो बनाया, वीडियो का जो लेंथ है वो 6 मिनट है, 8 मिनट, 10 मिनट है, तो जितने देर वीडियो को लोग रुक के देखते हैं, मतलब आपने वीडियो बनाया 10 मिनट का, किसी व्यक्ति ने वीडियो को रुक करके 2 मिनट देखा है तो वही वॉच टाइम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वीडियो आपका अच्छा है तो व्यक्ति 10 मिनट देखेगा, वीडियो अगर आप अच्छा नहीं है तो 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर रुक जाते हैं। तो यूट्यूब कहता है कि आपके वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसलिए वीडियो को अच्छा बनाइए, ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4 घंटे वॉच टाइम चाहिए, या आपका 90 दिन के अंदर, पिछले 90 दिन के अंदर आपका 10 मिलियन व्यू चाहिए शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो अब बताता हूं इनको क्या है। तो ये शॉर्ट वीडियो मेनली बनाते रहते हैं, ये है और उनकी वाइफ है, ये वाइफ मुझे क्या नाम आपके है? शशिकला। शशिकला नाम इनके वाइफ का है, इनका नाम प्रहलाद जी है ये। अगर आप बोलेंगे तो वीडियो में बता दूंगा इनके चैनल क्या नाम आपके है। प्रहलाद शशि ब्लॉग। प्रहलाद शशि ब्लॉग। इन्होंने मुझसे पूछा कि भैया मुझे क्या वीडियो बनाना चाहिए, मैं बोला कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप बनाता हूँ, जो काम मुझको आता है लोगों को सिखाता रहता हूँ। तो ये बड़ा ही काम करते हैं, कारपेंटर आप है ना? कारपेंटर हैं। तो क्या है कि मैं कारपेंटर वाला काम करूँ वो सिखाऊंगा, तो मेरे आप काम करोगे तो आपके लिए कोई रिकॉर्डिंग करना व्यक्ति चाहिए ना, तो कैसे कर पाओगे ये? तो इन्होंने कहा कि मैं, हम बोले और क्या कर सकते हो, तो इन्होंने कह सकते मेरी वाइफ जो है डांस अच्छा करती है, मेरी वाइफ जो है गाना गाती है, तो बोले यार तब तो बहुत अच्छी बात है कि जो कला आपके अंदर उस कला को दुनिया को दिखाओ। तो उनकी वाइफ डांस भी करती है, आप भी डांस कर लेते हैं? जी जी, डांस कर लेते हैं। वाइफ गाना गाती है आपकी? वाइफ गाना गाती है। गाना भी गाती है। तो उन्होंने, मैंने कहा इनसे कि आपके जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को लोग दिखाइए। तो अगर आप जाके सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर शशि ब्लॉग करके, तो इनका वीडियो वायरल हो गया 10 मिलियन व्यू हो गया है, ठीक है। तो सिस्टम से काम करना पड़ता है, तो उन्होंने किया। अब इनका चैनल जो मोनेटाइज होता है, मतलब इनके चैनल से पैसा कमाने की प्रक्रिया होता है ना, तो मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं इनका ये एक बैंक की पासबुक डिटेल भर दूंगा, उसके बाद जो है ये आपका जो आईडी लगाना ये लगा दूंगा, फिर इनके बाद अगर सब कुछ हो जाएगा तो ये जाएगा रिव्यू के लिए यूट्यूब के पास में। यूट्यूब इनके चैनल को रिव्यू करेगा, रिव्यू करने बाद लगेगा कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो इनके चैनल, इनके पास एक पिन भेजेगा, गूगल पिन आएगा, गूगल पिन आने के बाद में ये डालेंगे तो इनके चैनल पर ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उनको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताए भाई साहब, ये YouTube पे जब मैंने बताया आपको कैसे काम करना है, तो मतलब पहला चैनल है, किसके पहले चैनल कोई बनाया था आपने? सर, इसके पहले भी चैनल बनाए थे, काफी प्रयास किया। अच्छा, चैनल बनाए थे, कितने साल पहले बनाए, चैनल बनाए थे? 3 साल पहले। 3 साल पहले बनाए थे। क्या नाम था चैनल उस समय? गोरखपुरी बहुरानी। अच्छा, गोरखपुरी बहुरानी नाम दिया हुआ था आपने। बहुरानी क्यों नाम दिया था?
क्योंकि उस समय नई नई दुल्हन के रूप में थी हमारी वाइफ। अच्छा, उनके नाम पे आप काम करते हैं, इसलिए उस चैनल का नाम रख दिया गोरखपुरी। तो वो चैनल चला नहीं आपका? चला नहीं, बहुत प्रयास करिए। हाँ, इसलिए तीन साल पहले फिर बंद क्यों किया वो चैनल आपको? हमको लगा कि ये चैनल चलेगा नहीं और नए सीरीज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले लोग रेडियो देखते थे, टीवी देखते थे, अब सोशल मीडिया का ज़माना रहा, इसलिए हम सोचे कि सोशल मीडिया का ज़माना है और प्रयास करें, शायद अच्छा कॉन्टेस्ट लें, ऑडियो को अपने तरफ आकर्षित करें, अच्छा अच्छा वीडियो डालें, इसलिए तक हमको लगा कि फिर मतलब ने पहला चैनल आपका था और दूसरा चैनल बना हुआ है, इन दोनों बीच में गैप भी हो गया था कुछ सालों का कि एकदम रेगुलर थे? नहीं, रेगुलर कुछ साल छोड़ दिए थे कि नहीं बीच में? नहीं, 2-3 महीना छोड़े थे उसके बाद। अच्छा, 2 महीने छोड़े थे, फिर दोबारा कैसे मोटिवेशन मिला आपको कि मतलब दोबारा चैनल स्टार्ट करना चाहिए? वही वीडियो देख देख के हमको ऊर्जा भरने लगा, हमसे कुछ आए ज्ञान लिए, तो आप बताएं इस तरीके से काम किया जाए, तो हम उसी हिसाब से चलने लगे, आपके कहने के मुताबिक उसी हिसाब से चलने लगा, तो हमको लगा कि एक ठो वीडियो स्टार्टिंग में कई वीडियो डाल चुके तो हमको रिस्पांस अच्छा मिला, तो और ज़्यादा प्रयास करने लगे, मेहनत करने लगे। तो आप डांस करते हैं अपने चैनल के ऊपर? जी। आप भी करते हैं, आप भाई भी करते हैं? दोनों लोग साथ साथ चैनल। अच्छा, चलाते हैं। तो जब डांस करते हैं तो आसपास वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग, नाते साथ कुछ ना कुछ तो कमेंट करते होंगे, अरे देखो डांस कर रहे हैं, तो कैसे कैसे फील? देखिए, कमेंट को लेकर चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको लगता है कि यूट्यूब हमको देगा, क्योंकि हमेशा बढ़े का काम करते करते बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए हम ऑडियंस को चाहते हैं कुछ नया करना चाहते, जीवन में करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। तो जो नात बात है, रिश्तेदार है, अगल बगल वाले लोग कमेंट करते थे, क्या उनका जवाब देते आप हैं? कमेंट करते थे तो हम कह रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, भाई आप लोग को क्या इसमें कमेंट में रखा हुआ है, कमेंट करिए, हमको कमेंट से भी लेना देना नहीं कुछ है, मतलब दुनिया कुछ भी कहे आपको उससे मतलब नहीं है, इससे नहीं मतलब, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों देखिए, ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं, आप जब नया काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो दुनिया वाले नात रिश्तेदार हो गए आपके अगल बगल कहेंगे क्या काम करता है, जैसे मैं ही हूँ, मैं जब पहले शुरू में यूट्यूब पे वीडियो बनाता था ना जाकर छत के ऊपर, तो लोग कहते थे कि पगला गया है ये, पता नहीं क्या कैमरे सामने खड़ा बोलता रहता है। जब उसे बताता हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर एक नया लैपटॉप खरीद सकता हूँ हर महीने, एक नया कैमरा खरीद सकता हूँ, कहते हैं अच्छा काम करते हो, मुझे लगता है इनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और आप अगर यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करेंगे, अभी यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको भी लोग अगल बगल वाले आपके नात रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, कमेंट करेंगे, मतलब निगेटिव कमेंट करेंगे, आप उनसे बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपके जाने के बाद अनसब्सक्राइब कर देंगे, ऐसी चीजें शुरू में होने वाली है ये। और इनका कहने का तात्पर्य है कि बहुत पहले सुने हैं दोस्तों, बहुत सुने हैं गांव हाँ। वाले आसपास पड़ोस नाच रिश्तेदार सबसे सुने हैं हाँ। कि हमको अच्छा नहीं, दिल में तो खुशी नहीं होती है हाँ। लेकिन लोग कहते हैं, उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो हौसला है वो बुलंद रहे और आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो ला कर आपको प्रसन्न कर सकें। मान लीजिए कोई लोग वीडियो चैनल शुरू करना चाहे आपसे, जैसे मुझसे आप मोटिवेट हो गए हैं और आपसे लोग मोटिवेट हो कि एक बढ़ई, एक कारपेंटर काम करने वाला आदमी यूट्यूब पे वीडियो बना करके पैसा कमाने के लिए अग्रसर हो सकता है, पैसा भविष्य में कमा सकता है, तो हम भी सीखें, तो दुनिया वाले कहें तो क्या उसको केयर करना चाहिए लोगों को? नहीं, उसको केयर नहीं करना चाहिए, आपसे भी बोल रहा हूँ केयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए हाँ। तो आपको चाहिए कि मतलब हमारा सपोर्ट करें, हमारा साथ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग मान लीजिए वीडियो यूट्यूब बनाना चाहते हैं तो जब पहली बार बनाएंगे उनको भी लोग बोलेंगे ना, तो उनको ख्याल करना चाहिए बगल वाले की नहीं करना चाहिए, अपने मन से काम करें वो? नहीं सर, आप लोग से बोलते हैं कि उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रयास करिए। अच्छा, अभी बताइए, तो आप वीडियोस बनाते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास पड़ा हुआ, क्या क्या रखे हुए बनाने के लिए, जैसे कैमरा हो गया, माइक, क्या क्या खरीदे हुए हैं? अपना फ़ोन एक छोटा सा है। देखिए, एक फ़ोन इनके पास सिंपल सा है, ये अलग से कोई जैसे मैं कैमरा खरीद रखा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं, इनके एक फ़ोन है, एक फ़ोन है, उसके अलावा माइक भी रखे हुए हैं, माइक भी एक छोटा सा माइक लिए। माइक कितने रुपये का है? ज़्यादा नहीं, 150 रुपये का माइक। 150? देखिए, एक फ़ोन का पड़ा हुआ था, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर 150 रुपये का माइक लिए हुए हैं। ये जो ये आपका माइक दिख रहा है ना, रोड कंपनी का, ये तो महंगा वाला, ये तो 29,000 रुपये का माइक है। ये इनके पास जो है एक फ़ोन है, एक माइक है, उसके अलावा स्टैंड उस्टैंड भी है। एक स्टैंड है। स्टैंड है, मतलब तीन चीज़ लेते हैं। घर में कौन कौन मेरे वीडियो बनाता है आपके साथ में, कौन कौन सहयोग करता है आपका? मेरा लड़का है, 14 साल का उम्र का है। अच्छा, तो ये वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो अपलोड करना आप करते हैं कि लड़का करता है? लड़का करता है। लड़का पढ़ा लिखा है, पढ़ाई कर रहा है? जी। अच्छा, लड़का पढ़ाई करता है, मतलब घर के अंदर एक सहयोग है। जी। तो आप हाई स्कूल फेल हैं, वाइफ कितनी पास है आपकी पढ़ाई की? हाई स्कूल फेल। अच्छा, वो भी हाई स्कूल फेल, मतलब कम पढ़े लिखे व्यक्ति। अब देखिए, पहले क्या होता था ना, किसी हीरो बनना है आपको, किसी सेलिब्रिटी बनना है तो आपको एक्टिंग अच्छा आना चाहिए होता था, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए था, आपको बम्बई दिल्ली जाना होता था, तब जाकर काम कर सकते थे। लेकिन यूट्यूब ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि गाँव के अंदर वो अंधी व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता था ना, यूट्यूब पे वीडियो देख करके, डांस करके, लोग मनोरंजन कर करके आप फेमस हो सकते हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है कि मियाँ बीबी जो है ये दिन पे दिन फेमस हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जाके इनके चैनल को देखना चाहिए, शशि प्रहलाद शशि ब्लॉग टाइप करेंगे, वहां पे इनका जो है, मैं लिंक अगर बोलेंगे मैं लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है? ये सारी चीजें हैं, ये
तो चलिए, मुझे लगता है कि आपके वीडियो से लोग मोटिवेट होंगे। और इनका जो प्रक्रिया है ना, देखिए लैपटॉप मैंने खोल रखा है, इनका जो पेज मैंने खोला हुआ है और ठीक ठाक एकदम इनका ये, और 10 मिलियन इनका मतलब मोटा मोटी क्लियर होने वाला। मुझे आए थे चेक कराने के लिए, सर मैं 10 मिलियन चेक कर लीजिए, तो अभी हुआ है, मुझे लगता है एक दो दिन के अंदर काम हो जाएगा इनके पास, और इनके पास जो भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मेरा प्रयास होता है ना कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर कंप्यूटर लैपटॉप और हम सिखाते रहते हैं, उसके अलावा जो है हम लोग यूट्यूब के ऊपर जो है अर्निंग भी करते हैं, कि जब वीडियो बनाएंगे आप तो हम जो है उससे कुछ अर्न करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे चैनल नहीं शुरू किया हुआ, तो अभी भी आप लेट नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है, और भाई से बताइए देते हैं कि पहले रेडियो का जमाना था, लोग पहले अपने साइकिल के अंदर रेडियो टांग लेते थे और गाना सुनते जाते थे। फिर हम लोग का जो जमाना आया, उस समय टीवी का जमाना आ गया, लोग टीवी देखते थे, दूरदर्शन देखते थे, बड़े बड़े न्यूज चैनल देखते थे, उनका मनोरंजन होता था। लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है ना, जो अब बच्चे हम लोग के आ रहे हैं, उनके पास क्या है, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। वो यूट्यूब पे ज्यादा समय दे रहे हैं, छोटे बच्चे गेम पे ज्यादा समय दे रहे हैं, वो फेसबुक पे ज्यादा समय दे रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो इसलिए समय के साथ चलिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को अपडेट करिए, और आप भी यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आइए। और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल ना ये बूम रहेगा, तो मुझे लगता है हौसला बुलंद रखे रहिए, भगवान का देर है अंधेर नहीं, अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपको पक्का मिलने वाला है। मिलना है दोस्तों, मिलना है ना, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे हौसला बुलंद रखिए, ध्यान आप भी रखिएगा। आप दोबारा पहले चैनल बनाए थे, आपका चैनल बंद हो गया, दोबारा फिर आपने चैनल स्टार्ट किया, तो आप डिमोटिवेट मत होइएगा। व्यू आवे चैनल आवे लगातार, मुझे लगता है कि अगर आप 6 महीने काम कर देंगे ना, तो यूट्यूब भी बड़ा मतलब उपकारी आदमी है। यूट्यूब जो है ना, वो भी देखता रहता है कि हाँ लोग काम कर रहे हैं, तो आपको कहने के प्रमोट करेगा और आपको भी जो उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है भाई साहब, आप लोगों को सर ये बता दें कि जोगिंदर जी हैं, ऐसे हमें हौसला दिए हैं, तो भी हम आज इनके पास लेके आए मोनेटाइज के लिए, इन्हीं का देन है कि मतलब आज मोनेटाइज के लिए इनके पास आए हैं। चलिए ठीक है, मैं आप भी हौसला बुलंद रखे, जरूर आगे जाइए। ठीक है, तो आप लोग काम करिए, इसलिए देर मत करिए, अभी देर नहीं हुआ है, 2023 चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए और इससे मोटिवेट हो। दोस्तों वीडियो बनाकर मैं दिखाता चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को ना, जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, यूट्यूब के बाद पैसा कमा सकते हैं, तो आप भी नहीं कमा सकते हैं, आप भी पक्का कमा सकते हैं। इसलिए रेडी हो जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए और यूट्यूब से अर्न करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, वो मोटिवेट होना चाहते हैं यूट्यूब के जरिए, तो सके वीडियो के माध्यम से वो भी हो जाए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, और आपको भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को।